नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो आई क्यू के बारे में। सो रिसेंटली दोस्तों जो वीवो का X60 प्रो X60 प्लस अवेलेबल हुआ है इंडिया के ऊपर, एज वेल दोस्तों जो IQ7 है, IQ7 लेजेंड फोन है, दो फोन भी अवेलेबल हुआ है। सो अगर आप वीवो का X60 और IQ7 को खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कस्टम रॉम को फ्लैश करना चाहते हो तो। सो इस वीडियो के अंदर मेनली बात करने वाले हैं जो IQ फोन से, जो वीवो फोन से उसका जो बूट लोडर है, उसका जो रूट है, रियल रिकवरी है, कस्टम रॉम सपोर्ट है, सभी की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है क्या आप IQ फोन को बूटलॉक को अनलॉक कर पाओगे। IQ फोन के अंदर IQ3 IQ7 के अंदर बूटलॉक को क्या आप अनलॉक कर पाओगे। नेक्स्ट आप जो है दोस्तों क्या रूट करना पॉसिबल है टीरो रिकवरी के साथ, और क्या आप दोस्तों उसके अंदर कस्टम रोम अवेलेबल होगा और अवेलेबल है, ये सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं, एज वेल वीवो का बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीवो और IQ दोनों जो है वो सेम कंपनी है वीवो की तरफ से। IQ के अंदर भी फंटा चॉइस देखने को मिलता है, अभी फिलहाल IQ7 जो आया है उसके अंदर भी फंटा चॉइस है, एंड जो वीवो है दोस्तों वीवो के अंदर भी ऑलरेडी फंटा चॉइस हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। सो दोनों जो कंपनी है वीवो और IQ दोनों सेम कंपनी है, डिफरेंट IQ का जो मालिक है दोस्तों वीवो है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं भाई सब, ठीक है। सो यहाँ पर मेनली हम दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वीवो IQ के अंदर बूटलॉक अनलॉक क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले दोस्तों वीवो और IQ बूटलॉक को अनलॉक करना अलाउ नहीं करते, मतलब आप वीवो और IQ डिवाइस के अंदर जो बूटलॉक है उसे अनलॉक नहीं कर पाओगे। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इसके पीछे जो मेन रीजन है दोस्तों वीवो जो है और जो IQ जो है दोस्तों वो बोलता है जब ये बूटलॉक को अनलॉक करने की कोशिश करते हो दोस्तों ये उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है सॉफ्टवेयर का उसके अंदर आ जाता है, इसलिए कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए दोस्तों वीवो एंड IQ बूटलॉक अनलॉकिंग को सपोर्ट नहीं करती। आप वीवो और IQ फोन के अंदर जो बूटलॉक है उसे अनलॉक नहीं कर पाओगे। देखिए बारो हमारे पास जो डिवाइस है पोको F1 है, इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ सैमसंग का One UI जो काफी बढ़िया चल रहा है एज पर नाउ, मतलब इसके अंदर बहुत बग्स है बट एटलीस्ट मैं सैमसंग का One UI को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बूटलॉक अनलॉकिंग है, इसके अंदर रूट है, इसके अंदर टेरो रिकवरी इंस्टॉल है, कस्टम रॉम हमने डाल के रखा है, सेम है यह MI2 डिवाइस जो कि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर है, ए फिलहाल रनिंग कर रहा है MI UI 12 के अंदर, एंड जो कि ग्लोबल स्टेबल वर्जन है, देखिए पा रहे हो ग्लोबल स्टेबल वर्जन के अंदर रनिंग कर रहा है MI2 डिवाइस के अंदर, जो कि ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करते बट कस्टम रॉम के हिसाब से मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। सो इस तरह से वीवो वाले क्या करते हैं दोस्तों, IQ वाले क्या करते हैं, जो बूटलॉक है उसे अनलॉक करने का जो परमिशन है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके पीछे जो मेन रीजन है वीवो वाले बोलते हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए जो वीवो फोन है उसके अंदर जो आप बूटलॉक है उसे अनलॉक नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप स्टॉक रॉम को भी फ्लैश करना चाहते हो आपको दोस्तों दो चीज कर सकते हो, एक स्टोर में ले जाओ और आप दोस्तों जो है आप स्टॉक रॉम को स्टॉक फर्मवेयर को अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ फ्लैश कर सकते हो बट उसे अनलॉक नहीं कर पाओगे। बूटलॉक का जो अनलॉकिंग का सपोर्ट है वो वीवो और IQ वाले एकदम ही नहीं देते। अगर बूटलॉक आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, बूटलॉक अगर अनलॉक नहीं होगा तो ऑफकोर्स दोस्तों आपका जो फोन है वो रूट भी नहीं कर पाओगे, रूट भी नहीं कर पाओगे तो टीरो रिकवरी अवेलेबल होने का कोई भी मतलब नहीं है यार। टीरो रिकवरी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टम रॉम किस तरह से अवेलेबल होगा। पहला जो स्टेप है कस्टम रॉम के लिए वो है दोस्तों बूटलॉक अनलॉक। अगर आपके मैन्युफैक्चर के अंदर बूटलॉक अनलॉकिंग का सपोर्ट है तभी दोस्तों जो है कस्टम रॉम जो है टीरो रिकवरी जो है अवेलेबल होगा। इसलिए आपको देख पाओगे कोई भी वीवो डिवाइसेस के लिए, कोई भी IQ डिवाइस के लिए आपको जितनी भी बड़ी बड़ी रॉम्स है उसके अंदर वीवो और IQ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। पिक्सल एक्सप्रेस ले लीजिए, लाइनस ओएस ले लीजिए, एमुलेशन एक्स ले लीजिए, हैवोक ओएस ले लीजिए, कॉर्वस ओएस ले लीजिए, कोई भी रॉम डेवलपर के अंदर हमें वीवो IQ का जो फोन से वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वीवो IQ फोन के अंदर जो बूटलॉक अनलॉकिंग का सपोर्ट है बाइटफॉल देखने को नहीं मिलता है, वो दिया ही नहीं गया है, कंपनी जो है वो नहीं चाहते है आप बूटलॉक को अनलॉक कीजिए। तो मेन जो बात है दोस्तों ये है 2021 के अंदर एज पर नाउ दोस्तों वीवो IQ डिवाइसेस के अंदर जो बूटलॉक है अनलॉक आप नहीं कर पाओगे, बूटलॉक अनलॉक नहीं होगा तो रूट टीरो रिकवरी एंड कस्टम रॉम, ये तीन चीज को भूल ही जाओ। एंड और एक बात है दोस्तों, अगर आप वीवो का X60 और IQ7 लेने वाले हो तो एक चीज ध्यान में देना होगा, आप लगभग 2-3 महीने के अंदर जो अपडेट आ जाए वो सभी अपडेट को कर लीजिएगा, बट उसके बाद जितने भी अपडेट आएगा उस अपडेट को स्किप कर देना, क्योंकि उस अपडेट के साथ शायद आपका जो फोन है वो स्लो डाउन कर दे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एक कुछ टाइम के बाद जो अपडेट है दोस्तों अपडेट को इग्नोर कर लीजिएगा, लगभग 3 महीने में आपको 3 महीने के बाद जितने भी अपडेट आएगा वो सभी दोस्तों आपके फोन को स्लो डाउन करने के लिए है, तो कोई भी अपडेट को करने की कोशिश मत कीजिएगा। ना अपडेट करने से पहले वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा ये जो अपडेट है इस अपडेट के साथ क्या क्या इशू हो रहा है, क्या क्या बग्स है, कुछ टाइम वेट कर लेना अपडेट आने के बाद, उसके बाद रिव्यू आने देना यूट्यूब के ऊपर, रिव्यू उसको देखना, उसके बाद ही अपडेट करना अपने वीवो IQ डिवाइसेस के अंदर। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा,
अगर आप मेरी तरह कस्टम नॉब को फ्लैश करते रहते हो तो दोस्तों आईक्यू और वीवो फोन को सिंपली इग्नोर कीजिए, जो एमआई एक्स फोन है उसे आप खरीदो, उसके अंदर आपको काफी बढ़िया जो है उसके अंदर काफी बढ़िया कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एमआई एक्स जो फोन है, एमआई 11X जो फोन है दोस्तों, वो रेडमी के 40 नाम से चाइना के अंदर है, पोको F3 नाम से ग्लोबल हमें देखने को मिला है। सो कस्टमाइजेशन उस फोन के लिए काफी दमदार देखने को मिला है, काफी ज्यादा कस्टमर हमें देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा इन फ्यूचर के अंदर। सो आईक्यू वीवो फोन के अंदर वुडलॉट डार्लिंग का सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप कस्टमर को फ्लैश करते हो तो आप इस दोनों कंपनी को इग्नोर कीजिए। एंड क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी रीजन के अंदर वीवो वाले एंड आईक्यू वाले वुडलॉट डार्लिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए रॉम का भी कोई भी मतलब नहीं बनता है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।